स्वागत है पारुल जी आपका। आवाज आ रही है आपको? आपका माइक म्यूट है पारुल जी। जब स्वागत एक मित्र करे तो एक आत्मीय अनुभव होता है, बिल्कुल जो खुशी होती है ना वो तो बिल्कुल कही नहीं जा सकती। और ये वाला पटल तो बिल्कुल, ये वाला पटल है ना, ये मायके जैसा है। यहाँ पर कभी आप मेजबान हैं और कभी आप मेहमान हैं, तो आज यहाँ पर मैं मेहमान हूँ और आप मेरी मेजबान हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए आपका। मेरी प्रिय सखी भी है, बहुत ज्यादा स्नेहिल स्वभाव है इनका, उदार हृदय, हसमुख, प्रतिभा की धनी, बहुत बेहतरीन सशक्त लेखनी और बहुत ही उम्दा साहित्यकार है। मैं क्या कहूँ इनको, बस एक तिरंगे पर समर्पित करती हूँ दोहा और उसी के साथ करती हूँ आपका स्वागत। केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, रंग हरा संपन्नता चक्र अशोक विशेष। और इसी दोहे के साथ मैं स्वागत करती हूँ जिनके परिचय की बिल्कुल वो परिचय की कोई मोहताज नहीं है, सभी इन्हें जानते हैं, मैजिक मैन पटल। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारा मायके जैसा है, हम प्रथम बार इसी पटल के थ्रू मिले थे और तभी से मेरी बहुत अच्छी सखी है। स्वागत है पारुल जी। पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता स्वागत करने के लिए। अक्सर स्वागत किया है और जब अपना होता है तो वो एक अलग प्रकार की खुशी होती है, उसका अनुभव भी अक्सर सर हमें यहाँ पर कराते रहते हैं। तो चलिए, जब हम बात तिरंगे की करते हैं, तिरंगे की बात हो और सियासत की बात ना हो तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि हमें देशभक्ति की चीजों को उन सब चीजों से दूर रखना है, लेकिन माहौल जो है वो चुनावी है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं तो माहौल बिल्कुल चुनावी है। कुछ समय पहले जैसे मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, कवि कुल और ये जो वोटिंग है ये सब आमने सामने आ रहे थे एक दूसरे के, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग लिखने, हमारा काम लेखन का है, हमारा काम किन्हीं मुद्दों में फंसकर लड़ाई करना कभी भी नहीं है। बिल्कुल, एक छोटी सी सलाह मैंने उस समय कुछ चार पंक्तियां लिखी थी और कुछ कहना चाहता अपने सभी कवि कुल के मित्रों से, तो वो आपके समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। सियासत के सवालों पर कभी तुम शोर ना करना, सियासत के सवालों पर कभी तुम शोर ना करना, मिटे एहसास जो दिल से वो बातें रोज ना करना, मिटे एहसास जो दिल से वो बातें रोज ना करना, सियासत में न हो पाया कभी कोई किसी का, सियासत में न हो पाया कभी कोई किसी का, चुभे जो तीर से जुमले न उनकी खोज तुम करना, चुभे जो तीर से जुमले न उनकी खोज तुम करना। हमारा काम प्यार बांटना है, सच लिखना है, विसंगतियों के ऊपर लिखना है, अच्छाई के ऊपर लिखे ना लिखे लेकिन बुराई के ऊपर लिखना हमारा काम है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत शुक्रिया। और जैसा अभी मैं अपने से पहले शोभा मैम को सुन रही थी तो स्त्रियों के ऊपर वो बहुत कुछ बोल रही थी, अच्छा बोला उन्होंने और सटीक भी बोला, बिल्कुल सही बात थी उनकी, अक्सर जी जी बिल्कुल। तो एक स्त्री कितना ही पढ़ लिख जाए, कितनी ही ऊंची फैमिली से चली जाए, वो मॉडर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ जुमले होते हैं जो अक्सर उन्हें सुनने को मिल जाते हैं। वो एक जुमला क्या होता है वो आपके समक्ष रख रही हूँ, एक स्त्री के मन की व्यथा आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। अक्सर सुनने को मिल जाता होगा ना, क्योंकि इस पटल से इस समय महिला मित्र बहुत सारी जुड़ी हुई है जिन सबको मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है सभी कभी ना कभी दो चार जरूर हुई होंगी इस स्थिति से, सुनिएगा। अक्सर सुनने को मिल जाता होगा ना, अक्सर अक्सर सुनने को मिल जाता होगा ना, तुम करती क्या हो सारा दिन, अक्सर सुनने को मिल जाता होगा ना,
तुम करती क्या हो सारा दिन? हाँ, क्या करती हूँ मैं सारा दिन? हाँ, क्या करती हूँ मैं सारा दिन? बस बस सुबह सुबह जल्दी ही तो उठती हूँ। बस सुबह सुबह सबसे पहले जल्दी ही तो उठती हूँ। करती क्या हूँ मैं सारा दिन? झाड़ू, बुहारी, स्नान, पूजा। झाड़ू, बुहारी, स्नान, पूजा, फिर रसोई का रुख। बिना रुके, बिना पल गवाए, जाने समय कहाँ भागता है? जाने समय कहाँ भागता है? और समय के साथ साथ मैं भी। जाने समय कहाँ भागता है? और समय के साथ साथ मैं भी। फिर भी करती क्या हूँ मैं सारा दिन? फिर भी करती क्या हूँ मैं सारा दिन? बच्चों के टिफिन, बच्चों के टिफिन, स्कूल बस तक उन्हें छोड़ना। बच्चों के टिफिन, स्कूल बस तक उन्हें छोड़ना। कदमों को घर की ओर जल्दी जल्दी मोड़ना। कदमों को घर की ओर जल्दी जल्दी मोड़ना। पिताजी की दवाई, पिताजी की दवाई, माँ की एक्सरसाइज, पति देव का नाश्ता टिफिन, और अपनी घंटों पहले बनी ठंडी चाय, और अपनी घंटों पहले बनी ठंडी चाय। फिर भी करती क्या हूँ मैं सारा दिन? कपड़े, सफाई, किचन। कपड़े, सफाई, किचन, इन सब में उलझा जीवन। कपड़े, सफाई, किचन, इन सब में उलझा जीवन। लंच और डिनर अक्सर मिलने आते लोग। लंच और डिनर अक्सर मिलने आते लोग। परिवार, नाते, रिश्तेदार, उनकी आवभगत, तीज, त्योहार। फिर भी करती क्या हूँ मैं सारा दिन? कभी कभी उलझे बाल भी संवर नहीं पाते। कभी कभी उलझे बाल भी सवर नहीं पाते। जाने कौन सी उलझन में हम उलझ जाते। सबका लेन देन, सबका लेन देन और महीने की बचत। सबका लेन देन और महीने की बचत। कल मेरी किसी से चर्चा चल रही थी बजट के ऊपर, तो मैंने यही बोला था कि बजट तो गृहिणियों से बनाना चाहिए। अगर उनका पति 10,000 भी कमाता है तो भी वो अच्छे से घर चलाती है, और 2,000 भी कमाएगा तो भी अच्छे से। जी, बिल्कुल जाने बिल्कुल कौन कौन सी उलझन में उलझ जाते। सबका लेन देन और महीने की बचत। पैसों की अक्सर हो जाती है। सबका लेन देन और महीने की बचत। पैसों की अक्सर हो जाती है, परंतु सम्मान की नहीं हो पाती। क्योंकि कहते हैं ना घर वाले, तुम करती क्या हो सारा दिन? क्योंकि क्योंकि कहते हैं ना घर वाले, तुम करती क्या हो सारा दिन? सच में मैं कुछ नहीं कर पाती। सच में मैं कुछ नहीं कर पाती। ढलती रात और थकान से चूर। हर स्त्री को इस तरह की स्थिति से दो चार बार होना पड़ता है, या ये कह लीजिए कुछ स्त्रियों का भाग्य यही लिखकर आता है, और इसी तरह से उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ता है। सच में मैं कुछ नहीं कर पाती। ढलती रात और थकान से चूर। जैसे बिस्तर बुला रहा हो बाहें फैलाए। जैसे जैसे बिस्तर बुला रहा हो बाहें फैलाए। परंतु अपेक्षित नजरें मुझे बुला रही हैं। परंतु अपेक्षित नजरें मुझे बुला रही हैं। दिमाग कह रहा है तू थक चुकी है। दिमाग कह रहा है तू थक चुकी है। कह दे एक बार कि तू थक चुकी है, आराम कर। और हृदय कह रहा है जा, उसे तेरी जरूरत है। दिमाग कह रहा है तू थक चुकी है, तू थक चुकी है। कह दे उससे एक बार कि तू थक चुकी है, आराम कर। और हृदय कह रहा है जा, उसे तेरी जरूरत है। जा और कर्तव्य निभा। और हाँ, थकान के भाव चेहरे पर ना लाना। और हाँ, थकान के भाव चेहरे पर ना लाना, वरना ये सवाल फिर से सुनेगी, तुम करती क्या हो सारा दिन? वरना ये सवाल फिर से सुनेगी, तुम करती क्या हो सारा दिन? हाँ, मैं करती क्या हूँ सारा दिन? सचमुच मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे थकने का, रुकने का, टूटने का कोई अधिकार नहीं। मुझे थकने का, रुकने का, टूटने का कोई अधिकार नहीं। मुझे मुस्कुराते हुए खुद को सूरज की पहली किरण से रात के गहन सन्नाटे तक तरोताजा रखना है, ताकि ताकि कोई कह ना पाए तुम करती क्या हो सारा दिन। ताकि कोई कह ना पाए तुम करती क्या हो सारा दिन। ताकि कोई कह ना पाए तुम करती क्या हो सारा दिन। थैंक वाह 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 वाह, यू नंदिता। बहुत सुंदर, यथार्थ बात कही जी, बिल्कुल, ये होता है, ये हम महिलाओं के साथ अक्सर होता है शायद। जी, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो दर्शक हमसे जुड़े होंगे, जो श्रोता जुड़े होंगे, और खासकर जो महिलाएं, तो बिल्कुल
अक्सर उनके साथ ऐसा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें याद आया होगा, और पुरुष मित्र जी जुड़े हुए हैं। अभी सभी उत्साह कर रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी रचना की ओर लेके चलती हूँ आपको। आपको अब से 30 साल पहले की दुनिया में लेकर चलती हूँ। अरे वाह, जिस समय अरे वाह। फोन नहीं हुआ करते थे, जब लड़कियां विदा हो जाती थी तो सिर्फ वो चिट्ठी भेजा करती थी। नंदिता, ये जो रचना है, ये मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी सभी रचनाओं में सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा भावनात्मक रचना जो है वो मेरी यही है, मैं ऐसा मानती हूँ। एक बेटी की कहानी आपके समक्ष रख रही हूँ, एक पिता पुत्री की। उस पिता ने अपनी बेटी को माँ की तरह पाला पोसा, बड़ा किया और एक दिन उसका विवाह कर दिया। उस जमाने में जब फोन नहीं हुआ करते थे तो चिट्ठियां आया जाया करती थी। लड़कियां अपने माता पिता को चिट्ठी लिखकर भेजा करती थी और उसी के तरह से संवाद चला करते थे। तो वो पिता जो अकेले रह गए हैं जीवन में, और बेटी की शादी हो चुकी है, वर्षों गुजर गए हैं, एक दिन उस बेटी को एक चिट्ठी मिलती है कि पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या होता है, वो क्या सीन है, क्या स्थिति है, क्या मनोस्थिति है, वो आपके समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। घबराहट सी होने लगी है, घबराहट सी होने लगी है, जब से आई है वो चिट्ठिया, बाबा तेरी याद सताए, आंखों में गुजरी है रतिया। घबराहट सी होने लगी है, जब से आई है वो चिट्ठिया, बाबा तेरी याद सताए, आंखों में गुजरी है रतिया। बचपन की वो सारी यादें, पिताजी की चिट्ठी पढ़कर उस गुड़िया को बचपन याद आ जाता है अपना, और क्या कह रही है वो उस समय, क्या सोच रही है, बचपन की वो सारी यादें। आपको आपके बचपन में लेके चलती हूँ नंदिता, सुनिएगा। खेल खिलौने तो तितली बातें, गुड़िया का जब ब्याह कराया, बाबा तुमको रोना आया, बार बार तुम गले लगाते, बार बार तुम गले लगाते, बहते आंसू और मुस्काते, बाबा तेरी याद सताए, घबराहट सी होने लगी है। और क्या कहती है, क्या याद आ रहा है उसे अपना बचपन, की किस तरह पिताजी माँ की सारी भूमिका अदा करते थे, सुनिएगा। चौके में तेरा खाना बनाना, चौके में तेरा खाना बनाना, एक एक कौर खुद ही तो खिलाना, चौके में तेरा खाना बनाना, एक एक कौर खुद ही तो खिलाना, लाड़ लड़ाना चोटी बनाना, टिफिन दे स्कूल ले जाना, ऑफिस में भी ध्यान धरे हो, बाबा कितना काम करे हो, ऑफिस में भी ध्यान धरे हो, बाबा कितना काम करे हो, बाबा तेरी याद सताए। और क्या क्या करते थे वो बचपन में, किस तरह उनकी अपनी बिटिया रानी की डिमांड पूरी करते थे। हमारे पिताओं ने भी हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। मुंह से निकली बातें पूरी, लहंगा बिंदिया झुमका चूड़ी, मुंह से निकली बातें पूरी, लहंगा बिंदिया झुमका चूड़ी, सब दिलवाए, सब दिलवाए, खुद कुछ भी न लाए, मेरी हंसी पे प्राण लुटाए, सब दिलवाए, खुद कुछ भी न लाए, मेरी हंसी पे प्राण लुटाए, बाबा तोरी याद सताए। और बिटिया रानी बड़ी हो जाती है, फिर क्या होता है, आई खड़ी में हुई सयानी, बड़ी हो गई बिटिया रानी, आई घड़ी में हुई सयानी, बड़ी हो गई बिटिया रानी, बापा मेरा प्यार रचाए,
सुख से मेरी टोली उठाए, देख रहे वो मुझको चाहते, मुख से कुछ भी कह नहीं पाते, देख रहे वो मुझको चाहते, मुख से कुछ भी कह नहीं पाते। और विदाई के समय क्या कहती है गुड़िया रानी, कैसे अकेले रहोगे पापा, भूलोगे या याद करोगे, बोलो कभी क्या बात करोगे, चिट्ठी मुझको भिजवा देना, चिट्ठी मुझको भिजवा देना, याद करो तो बुलवा लेना, बापा थोड़ी याद सताए। और जब बिटिया रानी अपने गृहस्थी में मशगूल हो जाती हैं, अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने ससुराल वालों में, तो फिर वो जो एक क्रम था चिट्ठी आने जाने का, वो धीरे 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 करके कम हो जाता है। फिर क्या होता है सुनिएगा, बीते महीने सालों बरसों, चिट्ठी आई है ये परसों, बीते महीने सालों बरसों, चिट्ठी आई है ये परसों, आके मिल जाओ ना बिटिया, तुम तो भूल गई हो हमको, आके मिल जाओ ना बिटिया, तुम तो भूल गई हो हमको। एक बार और विरह जो होता है ना, ये सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच नहीं होता, विरह की एक स्थिति देखिएगा नंदिता, एक बार तो आजा गुड़िया, शायद फिर मैं मिल नहीं पाऊं, एक बार तो आजा गुड़िया, शायद फिर मैं मिल नहीं पाऊं, बात तेरी सुन नहीं पाऊं, पापा तेरी याद सताए। और क्या कह रहे हैं, लोहरी का कर मुझे सुला जा, चेहरा अपना तो दिखला जा, लोहरी का कर मुझे सुला जा, चेहरा अपना तो दिखला जा। उसको जल्दी हो रही है किसी तरह से एक जोड़ी कपड़े बैग में डालूं और बाबा के पास अपनी भाग जाऊं, चली जाऊं। और उस समय जब फोन नहीं थे तो क्या स्थिति होती थी, जब आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं तब आपको हमेशा निगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, अच्छा कुछ नजर नहीं आता। तो उस बिटिया की क्या स्थिति है जो ऐसी चिट्ठी पढ़ रही है अपने पिता की, थोड़ा धीरज धरना पापा, तन से निकल कर मन है भागा, थोड़ा धीरज धरना पापा, तन से निकल कर मन है भागा, मिलो की दूरी तय कर आऊं, और कहां मैं चैना आऊं, तेरी गोद है माँ का आंचल, खुशियों की दुनिया प्रेम के बादल, जाने कैसी रीत बनाई, कन्यादान की रसम निभाई। मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ हूँ और मैं, मेरी गुड़िया है और मैं उसका कभी कन्यादान नहीं करूंगी, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, क्योंकि बेटियां जिगर का टुकड़ा हो सकती हैं लेकिन दान की वस्तु कभी नहीं हो सकती। जाने कैसी रीत बनाई, कन्यादान की रस्म निभाई, किया दान क्यों करा पराया, किया दान क्यों करा पराया, खुद से मिलने को तड़पाया, बाबा तोरी याद सताए। और मन ही मन अपने पिता से बात कर रही है और क्या कह रही है, मिलके फिर से करेंगे बातें, याद करें फिर सारी यादें, मिलके फिर से करेंगे बातें, याद करें फिर सारी बातें, साथ रहेंगे बाबा अब हम, बात करेंगे मिलकर जब हम, साथ रहेंगे बाबा अब हम, बात करेंगे मिलकर जब हम। और पहुंच जाती है वो अपने घर और क्या देखती है, पिताजी अब नहीं है। जब इस तरह की कोई स्थिति हो जाती है तब वो गुड़िया जो एक परी की तरह से पाली पोसी गई, बड़ी की गई और पिता ने सब कुछ किया जिसके लिए पूरी जिंदगी गुजार दी, तो उस गुड़िया रानी की क्या दशा हो सकती है, क्या उसकी भावनाएं हो सकती हैं उस समय। सुनिएगा, पिता पड़े हुए हैं, कफन उनके ऊपर है, वो क्या सोच रही है उस समय, क्या कह रही है, विक्षिप्त हो चुकी है बिल्कुल मानसिक रूप से, और क्या कह रही है वो सुनिएगा।
तुम जो खाओ वही बनाऊं, मेले में भी लेकर जाऊं। तुम जो खाओ वही बनाऊं, मेले में भी लेकर जाऊं। नींद ना आए लोरी गाऊं, थपकी देकर तुम्हें सुलाऊं। तुम जो खाओ वही बनाऊं, मेले में भी लेकर जाऊं। नींद ना आए लोरी गाऊं, थपकी दे दे तुम्हें सुलाऊं। फिर से ब्याह रचाए बाबुल, फिर से ब्याह रचाए बाबुल। गुड़िया को ले आए बाबुल, फिर से ब्याह रचाए बाबुल। गुड़िया को ले आए बाबुल, थोड़ी शॉपिंग चल के करा दो। पापा लहंगा भी दिलवा दो, थोड़ी शॉपिंग चल के करा दो। बाबा लहंगा भी दिलवा दो। मुंह खोलो ना लाई हूँ हलवा, मुंह खोलो ना लाई हूँ हलवा। पूरी सब्जी और रसगुल्ला, मुंह खोलो ना लाई हूँ हलवा। पूरी सब्जी और रसगुल्ला, काहे यूं चुपचाप पड़े हो, काहे यूं चुपचाप पड़े हो। कौन सी जिद है काहे अड़े हो, काहे यूं चुपचाप पड़े हो। कौन सी जिद है काहे अड़े हो, काहे मेरा दान किया था। ब्याह कराया मान किया था, खुद से मिलने को तड़पाया। किया विदा और करा पराया को तड़पाया, विदा और करा पराया। हुए विदा और चले गए हम, हुए विदा और चले गए तुम। ढूंढे जाने कहाँ हुए गुम, हुए विदा और चले गए तुम। ढूंढे जाने कहाँ हुए गुम। रीत बदल दो काना जिए, बेटी बाबुल को ना तरसे। रीत बदल दो काना जिए, बेटी बाबुल को ना तरसे। बाबा तोरी याद सताए, बाबा तोरी। क्या कहूँ क्या पारुल जी, कहूँ मैंने पारुल सुन जी, मैंने सुन मैंने नंदिता, स्वयं अपने बहुत बहुत आयु में आपने बिल्कुल वो आपने सारी बिल्कुल वो झेली सारी जब मैं पापा के साथ जाया करती जब थी। मैं जो भी चीज आपकी जो भी इस चीज रस आपकी इस जिसमें रस्ता कभी हुआ हुआ है, है, चोटी जिसमें कभी बनाने हुआ से है, लेकर चोटी बनाने से लेकर सारी चीजें बिल्कुल सारी मेरे चीजें आंखों के बिल्कुल सामने मेरे आ आंखों के गई। सामने आ गई। ये आपकी ये बहुत ही आपकी बेहतरीन बहुत ही स्थिति बेहतरीन। शुक्रिया। हम कुछ लिखते हैं और हमारे श्रोता, हमारे रीडर्स अगर उससे खुद को कनेक्ट कर पाते हैं तो लगता है कि जो लिखा है वो कहीं ना कहीं सफल सफल हुआ देखी, है। सफल देखी, जी, बहुत बहुत सफल। धन्यवाद। जो बहुत हमसे लोग योगिता जो जुड़ी हैं, नीता जी जुड़ी जुड़ी हैं, है, नीता जी जुड़ी सभी आपकी है, कविता की बहुत सभी तारीफ कर रहे आपकी हैं, बहुत बहुत तारीफ कर तारीफ रहे कर हैं रहे हैं। आपकी कविता सभी की। को सब मेरा आपकी नमन कविता वंदन। सबके दिल में जी, रहे हैं। योगिता मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत 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 अच्छे मित्र हैं वो मेरी, जो मुझसे जुड़ी हुई हैं और वो मुझसे जुड़ी हुई हैं और मैं उन्हें देख पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता, नीता, भाभी और भी जो सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए, थोड़ा सा माहौल जो है वो भावुक हो गया है तो इसको हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं। एक प्रेम गीत आपको सुना रही हूँ, श्रृंगार रस की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। एक गीत सुना रही हूँ, शायद मेरी लास्ट रचना हो ये इस पटल पर इस समय, जी, 4 मिनट है अभी, सुनिएगा। 4 मिनट नीलम जी जुड़ी हुई है, नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। मैम यहाँ पर जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए, नमस्ते, नमस्ते। मुझे बर्दाश्त करने के लिए। चलिए, एक और रचना। एक प्यारा सा गीत, जब आप प्रेम में होते हैं तब क्या होता है, प्रेमिका की तरफ से लिखा हुआ मेरा गीत है। वैसे भी वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया है, सभी पूरा सब कुछ प्रेम में हो गया है इस समय, सुनिएगा। दिल में चलो एक गीत लिख दूं तुम्हें मनमी, लिख दूं
तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं, चलो एक गीत लिख दूं, तुम्हें मन मीत लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं। और जब आप प्रेम में होते हैं तब क्या होता है, प्यार के रण में साजन तुमसे दिल हार बैठी, प्यार के रण में साजन तुमसे दिल हार बैठी, सोचा ना समझा कुछ भी मैं सब कुछ वार बैठी, प्यार के रण में साजन तुम पे दिल हार बैठी, सोचा ना समझा कुछ भी मैं सब कुछ वार बैठी, धरा धीरज तुमने भी, धरा धीरज तुमने भी, तुम्हें रणधीर लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं, चलो एक गीत लिख दूं। और आगे क्या कहती हैं, वफाए सजदा करती हमको दिल में बसाना, वफाए सजदा करती हमको दिल में बसाना, खता जो कोई कर दे सजा में मुस्कुराना, हरफ लफ्जों में बदले, हरफ लफ्जों में बदले नया संगीत लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं, चलो एक गीत लिख दूं, तुम्हें मन मीत लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं। और जब प्रेम पे भरोसा हो जाता है उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, प्यार पे हुआ भरोसा तोड़ मत देना साजन, बनी मीरा मैं दीवानी बना के तुमको भगवन, प्यार पे हुआ भरोसा तोड़ मत देना साजन, बनी मीरा मैं दीवानी बना के तुमको भगवन, काश तुम आकर कह दो, काश तुम आकर कह दो तुमको तकदीर लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं, चलो एक गीत लिख दूं। और अंतिम पंक्तियां अपनी इस पटल पर रख रही हूँ क्योंकि मेरा समय भी समाप्त हुआ जा रहा है, सुनिएगा। और ये जो पंक्तियां हैं ये फेसबुक वाले प्यार के लिए समर्पित हैं जो अक्सर हो जाता है लोगों को, किस तरह का होता है वो प्रेम नंदिता सुनिएगा। प्यार के खेल में दिलबर चाल तुम चल बैठे हो, हाय हेलो मैडम कैसी हैं आप, खाना खाया कि नहीं खाया, सही तो है, तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक है, पति ठीक है, पति घर में है कि नहीं है, अरे अच्छा आप ठीक हैं, आप 2 दिन से ऑनलाइन नहीं आई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ, अरे बीवी को पूछो ना भाई अपने। तो किस तरह का ये प्रेम है, चाइनीज बिल्कुल प्रेम सुनिएगा। प्यार के खेल में दिल भर चाल तुम चल बैठे हो, भरोसा जीत के मेरा मुझे तुम छल बैठे हो, प्यार के खेल में दिल भर चाल तुम चल बैठे हो, भरोसा जीत के मेरा मुझे तुम छल बैठे हो, टूट बैठूं कितना भी। ये इस तरह जो प्रेम में पगली लड़कियां होती हैं ये उनके लिए है लाइन सुनिएगा, टूट बैठूं कितना भी तुम्हारी जीत लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं, चलो एक गीत लिख दूं, तुम्हें मन मीत लिख दूं, तुम्ही से खुशियां मेरी तुम्हें मैं प्रीत लिख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत सुंदर संचालन के लिए और एक सुंदर सा मंच देने के लिए नंदिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नरेश सर का, नीता भाटी का, हरीश सर का, आभा दीदी का, मेरी बहुत प्यारी सी दीदी है आभा दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। और हमारी कवित्री अग्रिम कवित्री जो है वो जुड़ चुकी है, नीलम दी बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।